कोविड-19 ने जहां पूरे विश्व में कोहराम मचाया हुआ है, जहां इससे लाखों लोगों की जान जा चुकी है और करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं, अब कोविड-19 के खात्मे का समय आ गया है। वहीं देश में दो दवाओं को, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही लोगों को यह दवा मिल पाएगी। वहीं देश के हेल्थ सेंटरों में रोहतक पीजीआई एमएस रोहतक में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर ट्रायल किया गया। रोहतक पीजीआई एमएस में थर्ड स्टेज का कोवैक्सीन पर ट्रायल आखिरी चरण पर है। रोहतक पीजीआई एमएस के ट्रायल टीम के डॉक्टर्स ने बताया, कोवैक्सीन से ही कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। लोगों को कोवैक्सीन लगवाने के बाद 42 दिन तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 42 दिन के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बनने शुरू होते हैं। देश में जल्द ही बड़े स्केल पर कोवैक्सीन के टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पीजीआईएमएस रोहतक को कोऑर्डिनेटर कोवैक्सीन ट्रायल के डॉक्टर रमेश वर्मा ने बताया कि देश की दो कोवैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी मिलने पर देशवासियों को बधाई। इसके डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ वॉलेंटियर्स को धन्यवाद करता हूँ। हमारी पीजीआई की टीम ने 24 घंटे काम किया है। कोवैक्सीन पर तीन चरणों में काम किया गया। अभी तीसरे चरण का काम चल रहा है। 1-2 वीक में यह भी पूरा हो जाएगा। पूरे देश में पहले चरण में 375 में से रोहतक पीजीआई में 80 लोगों पर ट्रायल किया गया। दूसरे चरण में 350 में से 50 लोगों को कोवैक्सीन डोज दी गई। पूरे देश में तीसरे चरण में 25,000 लोगों को देनी है। तीसरे चरण में उम्र का दायरा बढ़ाकर मेडिकल स्टाफ को भी शामिल किया गया है। पहले चरण में सेफ्टी का निरीक्षण किया गया। डोज देने पर यह पूर्ण रूप से सेफ रही। अगर थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ है, वह मामूली सा था, जो पैरासिटामोल देने पर ठीक हो गया। दूसरे चरण में सेफ्टी और एमनजेस्टी के लिए ट्रायल किया गया था, जिसमें एमनजेस्टी का मतलब होता है वैक्सीन डोज के बाद बॉडी में कितने एंटीबॉडी बन रहे हैं। WHO की गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोवैक्सीन से 4x4 ट्राइज 20 लेवल की एंटीबॉडी बन जाते हैं, वह कामयाब मानी जाती है। हमारे यहाँ पर 90% लोगों में एंटीबॉडी बन गए। अभी मंजूरी मिल गई, जल्दी ही वैक्सीन की डोज देनी शुरू की जाएगी। सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को दी जाएगी। यह बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जाएगा। जैसे पोलियो में काम किया गया, वैसे ही इस पर काम किया जाएगा। हमारे पास मैन पावर व गोल्ड चेन मेंटेनेंस उपलब्ध है और इस लड़ाई को हम जीत कर दिखाएंगे। सबको, मीडिया वालों को भी और हरियाणा वासी देशवासियों को मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि हमारी जो कोवैक्सीन है, जिसके लिए हम लगे हुए थे 6 से 7 महीने लगातार PGIMS हम ट्रायल कर रहे हैं PGIMS में, तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो ये कोवैक्सीन है, मैं आपको बता दूँ कि हमारे मेड इन इंडिया की है और इस वैक्सीन के अंदर हम लोगों ने पूरा वायरस यूज़ किया है, हमने कोई पार्ट यूज़ नहीं किया। और ये इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड वैक्सीन है। जब भी ये वैक्सीन लगाएंगे तो जो किल्ड वैक्सीन होती है उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। हम दो डोज लगा रहे हैं, 0 पे और 28 डेज पे, और जो इसकी प्रोटेक्शन शुरू होगी वो 42 दिन के बाद होगी पहले डोज के। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा लोगों से कि जब भी जब वैक्सीन लगाएं तो आप ये ना सोचें कि वैक्सीन लगाने के नेक्स्ट डे के बाद हम अंदर प्रोटेक्शन आ गई है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बॉडी रिएक्ट करती है उस वैक्सीन के अगेंस्ट, हमारी बॉडी, उसमें एंटीबॉडी पैदा होती है। तो इस कोवैक्सीन में देखा गया है कि 42 दिन के बाद प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आती हैं, तभी हमारी प्रोटेक्शन शुरू होगी। और जब तक आप फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, ये तीनों चीज़ आप फॉलो करते रहिए। रूमर भी जिस तरह से फैला हुआ है कि सक्सेस नहीं है, क्या लगता क्या है? देखो, हम साइंटिस्ट लोग दिन रात लगे हुए हैं, रूमर पे ना जाएं। काम करने का एक तरीका होता है। वैक्सीन हमारी मेड इन इंडिया है, इस पे विश्वास कीजिए। किल्ड वैक्सीन है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रूमर में ना जाएं। वैक्सीन जैसे ही हमारी कंट्री में आए, इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसका बचने का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन। क्योंकि वायरल का कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं आती, तो वैक्सीन ही प्रोटेक्ट कर। जितने भी वायरल इन्फेक्शन पीछे भी हुए हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा का हुआ हो, चाहे पोलियो का हुआ, सभी जो जो इन्फेक्शन हैं वो वैक्सीन से गए। आत्मनिर्भर भारत का ये कदम मानते हैं? देखो, मैं आपको फिर पहले कह चुका हूँ कि ये देसी वैक्सीन है, मेड इन इंडिया वैक्सीन है, आत्मनिर्भर का एक पार्ट है। मैं सबको बेसिकली हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वॉलंटियर वर्कर्स हमारे, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि इस ट्रायल में इन्वॉल्व होना एक बहुत बड़ी बात होती है। अपनी बॉडी को मतलब डोनेट कर देते हो आप, यूँ लग रहा है, क्योंकि आपको किसी टाइम कोई रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा है कि इस ट्रायल के अंदर किसी को कोई रिएक्शन नहीं हुआ और सभी लोग सेफ हैं। पर सब अक्सर जो है लापरवाह हो जाते हैं लोग वैक्सीन आने के बाद, ये लगता है कि वैक्सीन आ गई, अब इस तरह की दिक्कत नहीं, तो क्या कहना चाहोगे आप लोगों को? देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि कभी भी कोई वैक्सीन लगाएंगे
तो वैक्सीन लगाने के तुरंत ही हमारे अंदर एंटीबॉडी पैदा नहीं होती, हमेशा बॉडी रिएक्ट करती है जब भी कोई वैक्सीन बॉडी में जाएगी। तो इस कोवैक्सीन के अंदर हमने ये देखा कि 42 दिन के बाद ही प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बॉडी में आएंगी, तभी आप प्रोटेक्ट हो पाओगे। और जब तक आप 42 दिन आपको नहीं होते आफ्टर दी वैक्सीनेशन, आप वही सेम फॉलो करेंगे जैसे आप पहले फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क और हैंड वॉश। और सब जैसे वैक्सीन आ गई है, लोगों में खुशी का माहौल भी है, लेकिन इसको कैसे प्रयोग कैसे किया जाएगा, कैसे लगाई जाएगी, क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर कैसे इसको बांटा जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा इसका? देखो, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.36 करोड़ बिलियन पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ हिंदुस्तान के अंदर है, वो है मैन पावर। आपको पता है कि 2011 में हमने पोलियो का अभियान शुरू किया था, और हमने 2011 में पूरा पोलियो जो है पूरे इंडिया में हमने इरेडिकेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। उसके अंदर तीन चीज़ मेन हम लोगों ने की थी, एक था कोल्ड चेन मेंटेनेंस, और दूसरा था मैन पावर, और तीसरा था वैक्सीन। कोल्ड चेन मेंटेनेंस उस टाइम हमने मेंटेन की थी, कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेन था 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर रहेगा कोवैक्सीन के अंदर भी। और हमने उस टाइम जो ओरल पोलियो की वैक्सीन थी वो घर घर जाकर लगाई थी। तो हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम घर घर जाकर लगाएंगे, हम हेल्थ फैसिलिटी भी लगाएंगे, क्योंकि ये इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर हमने इंजेक्शन लगाना, बाई चांस अगर किसी को रिएक्शन होता है ताकि हम हेल्थ फैसिलिटी पे उसको हैंडल कर लें। तो हम ये चीज़ फॉलो करेंगे। हमारे हिसाब से हमारे पास मैन पावर भी है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस भी है, और वैक्सीन जो पर्याप्त मात्रा में आएगी तो हम सब लोगों को लगा सकेंगे। लेकिन अगर पीजीआई की बात करें, हम पीजीआई में क्या प्रबंध किए, क्या पीजीआई में या फिर कोई इस तरह की कोई जगह निश्चित की गई है कहीं? बिल्कुल, हमारे पूरे रोहतक में साइट निश्चित की जाएगी जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अभी होगी, बाई चांस किसी को रिएक्शन हो जाएगा तो पीजीआई में इसके अंदर भी हम साइट बनाएंगे, और मान लो किसी को रिएक्शन होता है तो हम ताकि जल्दी से जल्दी हैंडल कर सकें।